हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, RO ERO री एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, री एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि री एग्ज़ाम आपका जुलाई में होने वाला है। दोस्तों, समय बहुत कम है, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। देखिए, मार्च आपका समाप्त होने वाला है, अप्रैल, मई, जून, 3 महीना है। तो 3 महीने में पूरी तरह से समर्पित हो जाइए RO ERO के लिए और PCS के लिए। दोस्तों, तो देखिए, आज से प्रैक्टिस सेट आप लोग का मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, वो 2021 का है, ठीक है? तो देखिए, पहला मतलब यह है कि अफगानिस्तान पे आधिपत्य किसमें, बाबर ने किसको भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था दोस्तों? तो देखिए, यहाँ दौलत खान को किया था। किसको? दौलत खान को। तो देखिए, अफगानिस्तान पे आधिपत्य किसमें, बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। वास्तव में दौलत खान की सोच यह थी कि बाबर की तैमूर की तरह भारत को लूट कर वापस अपने देश चला जाएगा, जिसमें इब्राहिम लोधी की स्थिति कमजोर होगी, जिसका लाभ उठाकर वो अपनी स्थिति मजबूत कर सकता था। अगला देखिए, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? जोनाथ पैरी था। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि डेथ इन बनारस के लेखक जोनाथ पैरी हैं, और इनकी अन्य पुस्तकों के नाम पॉलिटिक्स और पैट्रोटिज्म और क्लोसेस ऑफ लेबर कास्ट एवं किनशिप इन कंगारा आदि है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये सही है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये गलत है दोस्तों, ठीक है ना? वाशिंगटन पाउडर सोडियम कार्बोनेट, ये भी सही है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी सही है। अगला देखिए इसको, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, वाशिंग सोडा सोडियम सोडियम कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला देखिए दोस्तों, फिर देखिए यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 मिलाने के लिए आया है। तो देखिए, यहाँ पे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, न्यू साउथ वेल्स क्या है? सिडनी। और क्वींसलैंड को ब्रिस्बेन बोलते हैं, विक्टोरिया को मेलबॉर्न बोलते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को पर्थ बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए सूची 1 सूची 2 दिया है, ठीक है? तो इसको देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ललित कला अकादमी 1954 में, संगीत नाटक अकादमी 1952 में, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय 1959 में। अगला देखिए, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र 1979 में। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित बाघ अभयारण्य में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है दोस्तों? तो अमनगढ़ नहीं है। अमनगढ़ क्या है? नहीं है। बांधवगढ़ है दोस्तों, कान्हा है, और संजय दुबरी है। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया है कि अमनगढ़ बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। इसे कार्बेट बाघ अभयारण्य की बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? डारली पार्ली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। तो इसमें देखिए दोस्तों, क्या सही है आपका? तो इसमें देखिए दादरी सही है, और क्या सही है, और सिंगरौली सही है। तो देखिए, दादरी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश में स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। डारली पार्ली उड़ीसा और विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में NTPC कि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 5 है, जो क्रमशः सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचा हारथा, टांडा में है। कोयला आधारित एक बिजली संयंत्र मेजा में है, जो संयुक्त क्षेत्र संयंत्र है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए, गाय 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 की नस्ल क्या है? देवनी। बकरी का क्या है? बरबरी। भैंस का क्या है? भदावरी। गाय का क्या है? गिरी है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूची 1 सूची 2 मिलाने के लिए है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि रास पंचाधाई नंददास है, चैतन्य भागवत वृंदावन दास है, चैतन्य मंगल जयनंदा है, भक्ति नर और नरहरि चक्रवर्ती है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दिए गए आहार समूह में से अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला समूह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जल, विटामिन और लवण से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि ये शरीर के उपापचय को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन थे? तो यहाँ पे है देखिए, डॉक्टर BR अंबेडकर। तो देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय डॉक्टर BR अंबेडकर थे, जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
उन्होंने इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और इसके अतिरिक्त एनी बेसेंट तथा सरोजनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोल में सम्मेलन में लिया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो देखिए, बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लुथानिया, स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड तथा रूस है। नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में किस राज्य ने भारतीय कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया था? तो इसमें है उड़ीसा। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंची है, गलत है दोस्तों। तो इसकी व्याख्या देखिए, यहाँ पे क्या है कि त्रिशूल पश्चिमी कुमारी को तीन हिमालय पर्वत चोटी का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी 7120 मीटर है। तीन चोटियों को त्रिशूल 1, त्रिशूल 2, त्रिशूल 3 नाम दिया गया। त्रिशूल समूह नंदा देवी अभ्यारण्य को घेरने वाली चोटियों के बलय के दक्षिण पश्चिम कोने का निर्माण करता है। त्रिशूल शिखर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के समीप स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभोग नहीं है दोस्तों? तो यह है सागरी पारिस्थितिक तंत्र। तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार जो मुख्य रूप से भूमि में पाए जाते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। ये पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 25 से 30% है। तो देखिए दोस्तों, भूमि पर जीवों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण समिति कारक आर्द्रता के तापमान है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सम्मिलित क्षेत्र टुंड्रा वर्ण पारिस्थितिक तंत्र और घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, अर्धशुष्क पारिस्थितिक तंत्र आदि हैं। सागरी पारिस्थितिक तंत्र सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। अगला देखिए, करंट का क्वेश्चन, इसको छोड़िए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय प्रशासन की इकाई को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। तो इसमें देखिए केवल दो है, शहरी क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 9A में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को वर्ष 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया है। अनुच्छेद 243P, 243ZG में इससे संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं, जबकि भाग 9 में पंचायत शीर्षक से ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जैव डीजल डीजल और पौधा है? तो इसमें क्या है, जेटोरफा। तो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैव डीजल पौधा जेटोरफा है। इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसे रतनजोत, जैव डीजल, जेटोरफा, कराकस आदि। बायोडीजल पारंपरिक व जीवाश्म डीजल के समान एक वैकल्पिक ईंधन है। बायोडीजल का उत्पादन सीधे वनस्पति तेल, पशु व अपशिष्ट खाना पकाने के तेल का उपयोग करके किया जा सकता है। अगला देखिए, इन तेलों को बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए ट्रांस एस्टोरिफिकेशन किया जाता है। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार ने नेशनल बायोडीजल मिशन शुरू किया है, जिसमें पारंपरिक डीजल के साथ 20% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जेटोरफा की महती भूमिका हो सकती है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है दोस्तों? तो कुमारगुप्त फर्स्ट। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मंदसौर अभिलेख में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना कवि वात्सभट्ट ने किया था। मंदसौर अभिलेख में ही सूर्य पूजा का वर्णन किया गया है तथा रेशम का काम करने वाले लोगों का भी वर्णन किया गया है। इसमें गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने ही सर्वाधिक अभिलेख जारी करवाया है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पार्वती अर्घा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसमें देखिए, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य, ये भी सही है। तो केवल एक और दो सही है दोनों। अगला देखिए दोस्तों, पार्वती अर्घा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। यह 722 हेक्टेयर में विस्तृत है। इसे फरवरी 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 रामसर साइट हैं। देश में अगस्त 2022 तक कुल 75 आर्द्रभूमि रामसर साइट है। तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या अधिकतम है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में किस स्थान पे हुई थी? तो पौंडीचेरी में हुई थी। कहाँ पे? पौंडीचेरी में। अगला देखिए, यहाँ पे
भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 ईस्वी में पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। यह केंद्र एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं जो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच संयोजक कड़ी के रूप में काम करते हैं। वर्तमान में कुल 725 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। अगला देखिए, इसको छोड़ दीजिए, करंट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, तो महानदी है। देखिए महानदी का नदी घाटी 141,589 वर्ग किलोमीटर के साथ उपयुक्त नदियों में क्षेत्रफल सबसे बड़ी है। कावेरी का बेसिन क्षेत्रफल 81,155 वर्ग किलोमीटर और नर्मदा का बेसिन क्षेत्रफल 98,796 वर्ग किलोमीटर है। ताप्ती का बेसिन क्षेत्रफल 65,145 वर्ग किलोमीटर है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, सूची वन सूची दो। तो यहाँ पर देखिए बीरबल साहनी दिया है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, केसी मेहता दिया है पादप रोग विज्ञान, और पी माहेश्वरी दिया है भ्रूण विज्ञान, और एम एस स्वामीनाथन दिया हरित क्रांति। अगला देखिए यहाँ पे क्या दिया है, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई है दोस्तों। तो इसमें किसमें की गई है, केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। विविध कृषि सहायता परियोजना का प्रथम चरण 23 सितंबर 1998 को विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया है जो मार्च 2004 तक चला। इसका उद्देश्य किसानों की भागीदारी के माध्यम से कृषि विविधीकरण की प्रक्रिया को तेज करना था। डास्प का द्वितीय चरण नवंबर 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसे KYV द्वारा प्रायोजित किया गया। यह चरण 31 मार्च 2023 को पूरा हुआ। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष में हुई थी, तो 2017 में। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखिए दोस्तों क्या है, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, तो केवल एक सही है। देखिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी ने न सिर्फ एक शासक के रूप में प्रसिद्ध था, बल्कि वह एक सुदृढ़ प्रशासनिक आर्थिक सैन्य व्यवस्थापक आदि के रूप में प्रसिद्ध है। वास्तव में उसकी प्रसिद्धि का मूल कारण युद्ध विजय से इतर उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में निहित था। अगला देखिए, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़िए। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एवं कुहना का निर्माण किसने कराया था, दोस्तों शेरशाह सूरी ने कराया था। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कुहना का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए मस्जिद का निर्माण कराया जो उनकी शाही आकांक्षा का प्रतीक बन गया। अगला देखिए, ये भी करंट का क्वेश्चन है, जो करंट का उसको छोड़ देंगे क्योंकि ये पुराना करंट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए पहला इसमें क्या दिया है, नाबार्ड की स्थापना, क्या दिया है, नाबार्ड की स्थापना। फिर स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम। फिर दिया है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना। तो देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना 1975 में की गई है दोस्तों, नाबार्ड का 1982 में किया गया है। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 से 1993 में, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में किया गया है। तो अगला देखिए, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। जो करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए, यहाँ से देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किसमें है, दोस्तों 108 में है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की अवस्था में संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुच्छेद 118 के अधीन की जाती है। संविधान संशोधन द्वारा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या, निम्नलिखित में किस हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महाविभूतियाँ नहीं था, तो देखिए इसमें राजा मानसिंह तोमर ये भी थे, तानसेन भी थे, सुंदरांग अंदरांग ये भी थे, मालगुजारी नहीं थे दोस्तों। अगला देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा की सूचियों का प्रावधान किया गया है, तो अरे ये 7 है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 12 अनुसूचियों का उपबंध किया गया है। अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंधों के आलोक में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उपबंध किया गया है। वर्तमान में संघ सूची 99 विषय, राज्य सूची 61 विषय, समवर्ती सूची 52 विषय रखे गए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अंबिका चक्रवर्ती नहीं थी, यशपाल भी थे, भगत सिंह थे, छबिल दास थे। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में किया था और इसके प्रसिद्ध सदस्यों में भगत सिंह, छबिल दास, यशपाल, जयपाल, राजगुरु आदि थे। अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला देखिए दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए।
यहाँ पर देखिए कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी दोनों है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जल में घुलनशील विटामिन क्रमशः विटामिन बी और सी है। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में जमा नहीं होते हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के हैं। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर के यकृत, वसा, ऊतक और मांसपेशियों में जमा होते हैं। विटामिन का मुख्य कार्य शरीर की उपापचय की दर को सुचारू रूप से बनाए रखना है। विटामिन शब्द का सी फंकन द्वारा दिया गया है, यह एक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक है। अगला देखिए दोस्तों, डाप्सन इकाई से निम्नलिखित में से कौन सा मापा जाता है, तो कौन सा मापा जाता है दोस्तों इसमें देखिए ओजोन की सांद्रता। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि डाप्सन इकाई ओजोन सांद्रता को मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है। डाप्सन यूनिट ओजोन के अणुओं की संख्या है, जिसे 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 1 वायुमंडल के दबाव पर 0.0 मिलीमीटर मोटी शुद्ध ओजोन की एक परत बनाने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो सी क्या है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की एक स्थापना 1920 में बंबई में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इस क्रम में भारत के तत्कालीन कई राष्ट्रीय नेताओं ने इस संस्था की अध्यक्षता की, जिसमें 1928 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने इसके अध्यक्ष बने। वर्ष 1929 में दिसंबर में नागपुर में इसके नए अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। अगला देखिए, बालकस झील निम्नलिखित में देशों में किस स्थान पर है, तो कजाकिस्तान है। बालकस झील कजाकिस्तान में स्थित है, जो एक एंडोरोइक बेसिन है। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करिए, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए महदहा सही है दोस्तों, लेखकिया ये भी सही है, पैसरा भी सही है, तो इसमें सी सही है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, सूची 1 सूची 2 मिलान करने के लिए आया, तो विटामिन किससे है, कैरोटीन में, एंजाइम पेप्सिन में, फिर इसके बाद देखिए हार्मोन किस में है, पोजेस्ट्रॉन में, और प्रोटीन क्या है, कैरोटीन में। इसी तरह देखिए सूची 1 सूची 2 मिलाने के लिए है, श्रावस्ती संभवनाथ है, काकदी और सुविधिनाथ है, अयोध्या ऋषभनाथ है, प्रभूषा प्रभु पद्य प्रभु है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो रीजनिंग का क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है उसको मैं करा दे रहा हूँ। फिर देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट निम्नलिखित में किस भाषा में लिखा था, तो फारसी लिखा था, किस में लिखा था, फारसी। अगला देखिए, राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1809 में प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट फारसी भाषा में लिखी थी। इन्होंने 1815 में आत्मी सभा, 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन है। क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, अन्य पादप हार्मोन ऑक्सीन, एथिनिन, एबिसिक अम्ल और जिरेलेबिसिक आदि हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में। तो देखिए पौधे नाइट्रोजन को अवशोषण मुख्यतः नाइट्रेट आयन के रूप में करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्राइट तथा अमोनिया के रूप में लेते हैं। नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है, इसी कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए अकबर मुजफ्फर खान है, जहांगीर क्या है, गियास बेग एतमाद उद्दौला है, शाहजहाँ सादुल खान है, औरंगजेब असद खान है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुमेलित वंशमित राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है, भारतीय दल अनुसंधान कानपुर में है, सब्जी कहाँ, वाराणसी में है, गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। अगला देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए करंट का है दोस्तों, जो करंट का उसको हम छोड़ दे रहे हैं, और इधर आपका पूरा है, तो इसके आगे अब कल कराएंगे दोस्तों। तो दिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, धन्यवाद।